स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। शारदीय नवरात्रि के शुभ त्योहार की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी है, जो 15 अक्टूबर के विजयादशमी तक चलेगा। नवरात्रि के दौरान जो लोग व्रत करते हैं वो सिर्फ फलाहार या व्रत वाले अनाज का ही सेवन करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भोजन भी है जिसको नवरात्रि में मना किया जाता है, यानी इसमें नहीं करना होता है। भोजन में प्याज लहसुन तक खाना मना होता है। आखिर इसका क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी तरह के व्रत या पूजा पाठ में लहसुन प्याज खाना मना होता है। इसके पीछे क्या कारण है ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि आयुर्वेद में भोजन यानी खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, सात्विक भोजन, जिसमें मन की शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण मौजूद होते हैं। नंबर 2, राजसिक भोजन, जिसमें जुनून और खुशी जैसे गुण मौजूद होते हैं। नंबर 3, तामसिक भोजन, इस प्रकार के भोजन में अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण मौजूद होते हैं। आपको बता दें, प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर रखा गया है, और शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती है, जिसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे होते हैं उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ता से भटक सकता है। प्याज लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है, यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है। प्याज और लहसुन न खाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा राहु केतु से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी 2 राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदे दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि यह दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर को धड़ से अलग कर दिया, चूंकि उस समय तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था और उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, जिससे उनका शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो गया। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए इन दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, और इन गिरी हुई अमृत के बूंदों से ही प्याज और लहसुन उपजे। चूंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हुई है, इसलिए यह बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती है। लेकिन चूंकि राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है, और कभी भी प्याज और लहसुन का भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों की शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही उनके बुद्धि और सोच विचार भी दूषित हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि करने वाले लोगों को लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो व्रत नहीं कर रहे होते हैं उन्हें भी नवरात्रि में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।